कांग्रेस आज लॉन्च करेगी भारत जोड़ो यात्रा का लोगो क्या और कैंपेन। देर शाम तक पार्टी नेताओं ने लोगों के साथ किया मंथन। 75वें राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन के लिए टोरंटो पहुंचे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। सांसद के शाम आने वाली चुनौतियों पर होगी चर्चा। बीजेपी विधायक टी राजा के खिलाफ हैदराबाद में भारी प्रदर्शन। मोहम्मद पैगंबर पर विवादित बयान का आरोप। जम्मू कश्मीर में कांपती धरती, आया 3.9 तीव्रता का भूकंप। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा के नाम, कोहली चौथे नंबर पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। शाहजहांपुर में गांधी भवन प्रेक्षागृह में युवा कल्याण विभाग के तत्वावधान में एक दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन दरौल विधायक मानवेंद्र सिंह फीता काटकर किया। इस कार्यक्रम में लोकगीत, लोक नृत्य, बांसुरी वादन, ढोलक जैसी विधाओं में प्रतियोगिता भी कराई गई। मंगल युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हमारे जनपद के देहात से और शहर से काफ़ी विद्यालयों से छात्र और यहाँ छात्राएं आई हैं और उनके द्वारा जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, आयोजित किए जा रहे हैं, ये वास्तव में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए एक बहुत अच्छा मंच है और इस मंच के माध्यम से, इसके सहयोग से युवा अपनी प्रतिभा को जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। वृंदावन में उत्तर भारत के प्रसिद्ध रंगनाथ मंदिर में नंदोत्सव के रूप में लट्ठा के मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान मेले का आनंद लेने के लिए स्वयं भगवान गोदार मन्नार कल्पवृक्ष पर सवार होकर आयोजन स्थल पर पहुंचे। इसके साथ ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों की भीड़ भी उमड़ पड़ी। आपका नाम? गिरधारी ठाकुर। आज रंगनाथ परिसर में मेले का आयोजन किया गया, आप लोगों ने सहभागिता की, क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा था। रंगनाथ जी का मंदिर अंतर्यामी, हमारे जो अंतर्यामी के ठाकुर लोग हैं वो इस लट्ठे को तोड़ते हैं, जिसमें हमने भी भाग लिया। पहला नंबर नीचे रहा हमारा और हमारे काफी सहयोग लगे। कितने वर्षों से ये परंपरा का आयोजन किया जा रहा है? ये तो काफी सालों से हमारे बुजुर्ग लोगों की परंपरा, कई पीढ़ियों से लगातार चला रहा है। यह उत्सव जो हो रहा है नंदोत्सव के, उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध लट्ठा का मेला हो रहा है। यह श्री रंग मंदिर मथुरा के सेठ राधा कृष्ण गोविंद राम जी ने बनवाया और उन्होंने अपने गुरुजी श्री रंगदेशुक स्वामी जी महाराज को दान में दे दिया। देने के बाद में उन्होंने इसके नियम बनाए, उसमें एक उन्होंने ग्रंथ लिखा, उसके अनुसार यहाँ पांचरात विधि से, कृष्ण यजुर्वेद से पूजन होता है। नित्योत्सव ही नित्य मंगलम, जहां नित्योत्सव हो उसको दिव्य देश कहा जाता। बुलंदशहर के आहार में अनूपशहर और रामघाट के साथ साथ कई इलाकों में गंगा का जल स्तर बढ़ने से सैकड़ों बीघा फसल जलमग्न हो गई है। फसलों में एक एक फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक फसलों में जल भराव से किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। सर प्रॉब्लम, मतलब खेतों में पानी भर गया, सब गल गए, चलते उसमें गिर गया। अच्छा, तो आपकी फसलों में पानी भरा खड़ा है? हाँ जी, अब भी है। क्या फसल थी आपकी? लौकी। और भी किसानों को नुकसान हो रहा है? और भी हैं पड़ोसी हमारे, उनके भी बहुत नुकसान है। लौकी है, करेला है, काशी फल है और भी तुम्हारा खीरा है, सब गल गए। 36 घंटे पहले 2 लाख क्यूसेक पानी बिजनौर से छोड़ा, जो अब अनूपशहर में आज सुबह से आना शुरू हो, तो इससे अंदाज है कि लगभग 1-1.5 फुट पानी का लेवल बढ़ेगा और कल सुबह से पानी का लेवल फिर से डाउन होना शुरू हो जाएगा। सर कितनी बाढ़ चौकियां तैनात की गई हैं, बनाई गई? बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं। इसके अलावा जहां जहां पर गंगा जी के घाट हैं, जैसे मस्तान घाट, रतस्करगढ़ी घाट और अवंतिका देवी घाट, वहाँ पर नाव लगा दी गई है, लोगों को सतर्क कर दिया गया है कि पानी में ना जाए।
वाराणसी के संसदीय कार्यालय में जन सुनवाई कर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर दयाशंकर मिश्र ने लोगों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए मताधत्तों को निर्देश दिए गए। इस दौरान संसदीय कार्यालय पर जन सुनवाई के लिए बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काशी के सांसद माननीय नरेंद्र मोदी जी का संसदीय कार्यालय है, यहाँ सप्ताह में एक दिन सोमवार के दिन मुझको यहाँ जन सुनवाई करने का अवसर मिला है। उसी के तहत क्षेत्रीय लोग अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ आ रहे हैं, उनके काम को हर संभव प्रयास होता है कि उनकी मदद हो और उनके काम को करने का हम लोग प्रयास करते हैं। आप तो देख ही रहे हैं कि जब से बैठा हूँ तब से लगातार लोगों का अनवरत रूप से आना, और ये लोग जिनका काम होता है वो लोग जाते रहते हैं, आने जाने का क्रम ये लगातार मुझको लगता है कि 2 से 3 बजे तक ऐसे क्रम बना रहेगा। गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी एक बार फिर से विवादों में फंस गए हैं। उन्होंने किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बता दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल टिकोनिया हिंसा मामले में खुद को फंसते देख बौखलाए टेनी ने किसान नेता राकेश टिकैत पर गुस्सा निकालते हुए उन्हें अपशब्द कहे। आइए आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा गृह राज्य मंत्री ने। हम गच्ची की तरफ बढ़ रहे हैं और सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे होते कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब जो उनका स्वभाव होता है वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है, जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा पूरा जवाब देता हूँ। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। आप सबकी ताकत के बल पर चाहे जितने राकेश टिकैत जितने हमें, मैं क्योंकि मैं राकेश टिकैत को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, 2 कौड़ी का आदमी है, जिसका हम लोगों ने देखा है कि अपने 2 बार जमानत जब्त हो गई। इस तरह का व्यक्ति किसी का विरोध करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसलिए मैं ऐसे लोगों को कभी जवाब भी नहीं देता हूँ। जा रही बुलंदशहर शिकारपुर खुर्जा अड्डे पर बड़ौदा हाउस के मालिक ठाकुर रघुराज सिंह ने यूको बैंक के शाखा प्रबंधक पर भू माफियाओं से साठगांठ कर संपत्ति नीलाम करने का आरोप लगाया। जानकारी के मुताबिक शाखा प्रबंधक ने बिना उन्हें सूचना दिए संपत्ति नीलामी का प्रक्रिया शुरू कर दी, जिस पर बड़ौदा हाउस के मालिक ने स्टे ऑर्डर ले लिया। से हमारी लिमिट बनी हुई थी जी। उसमें उसके कागज रखे थे जी। तो जब लिमिट एक्सपायर हो गई जी, तो उसके बाद बैंक वालों ने नोटिस जारी किया जी। और नीलामी का एक मतलब उसका प्रॉपर्टी मॉर्गेज के अनुसार मतलब अपनी वसूली का एक आदेश करवा लिया जी। उसके खिलाफ हम डीआरटी नकलो हुए जी। नकलो में जो DRT नकलो कोर्ट है जी, उन्होंने आदेश किया कि आप पार्टी 10 लाख रुपए जमा करें और वन टाइम सेटलमेंट की एप्लीकेशन दें। कानपुर में स्वरूप नगर थाना पुलिस ने रेस्टोरेंट और बार कैफे में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक कई दिनों से पुलिस को हुक्का बार में प्रतिबंधित नशीली पदार्थों दिए जाने की सूचना मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई की है। कल शहर में एक साथ कई टीमें बना करके जो जहां हुक्का बार की अवैध तरीके से चलाए जाने की शिकायत थी उन पे पुलिस ने रेड की कार्रवाई की थी। इसमें कुल 6 से 7 लोगों को एक जगह से और दूसरी जगह से इतने ही लोगों को हिरासत में लिया गया था। मौके से हुक्का चिलम और फ्लेवर्स वगैरह कई चीज़ें बरामद की गई थी। इस संबंध में थाना स्वरूप नगर पर 2 अभियुक्त पंजीकृत किए गए हैं और इसमें जो भी कड़ी विधिक कार्रवाई है वो इनके खिलाफ की जाएगी। गाजियाबाद में मसूरी थाना क्षेत्र में मेरठ एक्सप्रेसवे के पास स्लैब के पास बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को लेकर CSC दसना ले गई, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया।
5 बजे थाना मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत एक्सप्रेसवे के साइड में एक बच्चे का, जो जिसकी उम्र 13 वर्ष थी, उसका शव बरामद हुआ था। इसमें जानकारी की गई तो एक लड़के को इसमें हिरासत में लिया गया है जिसकी उम्र 16 साल है। तो इन दोनों के बीच में कुछ बात हुई जिसके बाद उसने उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस संबंध में अभी उसको हिरासत में लेकर अन्य पूछताछ उससे की जा रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें जो भी ठीक होगा उसके अनुसार हम लोग करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।